शारदा यूनिवर्सिटी के जायके के सफ़र में आपका स्वागत है। हमारे साथ जोया हैं जो कि मास्टर्स कर रही हैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में, और इनके साथ आज हम इनके प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का फूड टूर करेंगे। हेलो सर, वेलकम टू शारदा, द वर्ल्ड इज हियर, सो लेट्स बिगिन। सर, तो ये हमारा ब्लॉक 3 है, स्कूल ऑफ बेसिक साइंस एंड रिसर्च। और क्या बोलूँ मैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा एडमिशन सेल है, ये हमारी मेन बिल्डिंग है। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट काउंसिल, एडमिशन सेल, एग्जामिनेशन सेल, ऑल आर प्रेजेंट इन दिस बिल्डिंग। सो ये हमारा ब्लॉक 2 है, यहाँ पे डिज़ाइन एंड जर्नलिज्म की सारी क्लासेस होती हैं। ज़ोया, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके यूनिवर्सिटी में? सर, हमारे अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 12,000 स्टूडेंट्स हैं कैंपस में, और काफ़ी लाइवली और मिक्स्ड वैरायटी ऑफ कल्चर एंड कंट्रीज का क्राउड है। तो बहुत अच्छा एक्सपोजर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस यूनिवर्सिटी से मुझे मिला है, और अभी भी मैं ले रही हूँ एक्सपीरियंस। तो काफ़ी प्यारी यूनिवर्सिटी है हमारी। मैं आपके वेबसाइट को देख रहा था, तो उसमें था कि 85+ नेशनलिटीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं। राइट सर, तो काफ़ी डाइवर्सिटी है। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है सर। इवन हमारा फ्रेंड सर्कल जो है, इट कंसिस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान, पीपल फ्रॉम साउथ अफ्रीका, पीपल फ्रॉम जिम्बाब्वे, पीपल फ्रॉम नेपाल। सो बहुत मज़ा आता है टू इंटरेक्ट विद दोज पीपल, और वो लाइफ लॉन्ग की फ्रेंडशिप जो उनके साथ बन जाती है, ऑल दो दे हैव लेफ्ट कॉलेज, बट बहुत मज़ा आता है। दे हैव पास्ड आउट रिसेंटली, लेकिन दैट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो फूड में डाइवर्सिटी दिखती है कैंपस के अंदर? Obviously, sir, they have started loving samosas, they have started loving our chola bhatura. We have taken up so many kind of flavors like jhol momos and all from them. So yeah, it's nice. So ye university campus ke bahar ke sare food joints hai, और मेनली सिर्फ लंच के टाइम पे आते हैं। लंच के टाइम पे रहते हैं आप लोग? हाँ, उसके बाद फिर 4 बजे से पहले बंद हो जाते हैं। चार बजे के बाद 5 बजे जब कॉलेज बंद हो जाते हैं, तो दे आर नॉट देयर। तो मेनली स्टूडेंट्स ही खाने आते हैं? हाँ, मेनली ऑल स्टूडेंट्स आर यही ज़्यादा खाते हैं। तो भैया, कितने टाइम से लगा रहे हैं आप यहाँ पे? बहुत 10 दिन हो गए। कितना? 10 साल से ज़्यादा हो। अच्छा, यही मैगी ही बनाते हैं? मैगी, पास्ता। कितने एक बनाए, दो बना सर? एक पैकेट बना दीजिए। क्या क्या डालते हैं वेजिटेबल मैगी में? सब कुछ, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, चले ये सब देखिए जो सामने रखे हैं, चाट मसाला, मिर्च पाउडर और मक्खन डालते हैं। मैगी एक ऐसी चीज़ है, आपको हर एक यूनिवर्सिटी कैंपस में हर जगह मिल जाएगी खाने को। और एक और चीज़ है, जो ये वेजिटेबल मैगी बना रहे हैं, जैसे इसमें सिर्फ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च है, ये चीज़ आप घर पे बनाओ वो टेस्ट नहीं आता, नहीं, वो यही मिलेगा। तो एक जगह का भी टेस्ट होता है। हम लोग सब्जियों के साथ में मैगी पका लेते हैं। इन्होंने जो नूडल्स है वो अलग पकाया है, और सब्जियां अलग पकाई हैं। कुछ अलग बात तो होती है इन मैगी में। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स भी काफ़ी आते हैं? हाँ सर, दिल्ली इवन अराउंड दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा, इवन फ्रॉम दिल्ली नॉर्थ कैंपस के पास से भी काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, वसंत कुंज। सो या इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल अराउंड दिल्ली, भी हम सारे बच्चे ही हैं यहाँ पर, और सब ईगरली वेट कर रहे थे कैंपस के खुलने का, बिकॉज वो कैंपस वाइब ऑनलाइन नहीं आ पा रही थी। तो या वी आर है, वी आर हैप्पी, एंड वी होप दिस कोविड डज नॉट एक्सटेंड एनी। एक मैगी ऐसी चीज़ है, इसमें लिखा होता है 2 मिनट्स, लेकिन कभी 2 मिनट्स में बनती नहीं है। हैं, आज तक कोई बनी है 2 मिनट में? नहीं बनी ना, बस नहीं पा रहा 2 मिनट। तो 2 मिनट लिखते क्यों हैं? ऐसे ही प्रचार करने का तरीका है। कम से कम 5-7 मिनट तो लग ही जाते हैं। 5 मिनट तो लग ही जाते हैं। ये ऊपर चाट मसाला और प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च। आइए। हम्म,
बिल्कुल चटपटा बनाया उन्होंने। सर इसी वजह से तो लंच ब्रेक में हमारा गेट नंबर 4 की मैगी फेमस है। अच्छा, तो ये गेट नंबर 4 के बाहर फूड स्टॉल्स लगते हैं। स्टूडेंट्स प्रेफर इस वजह से भी करते हैं क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है। हम फॉरन क्लास से निकले, यहाँ से लिया, खाया, फिर बैक टू द क्लास। तो कैसा है आपको कैंपस लाइफ, पसंद आता है? मुझसे ये पूछना सवाल बहुत ही वो है, बिकॉज आई हैव अ वेरी नॉस्टैल्जिक फीलिंग रिलेटेड टू दिस कैंपस। मतलब घर से आने के बाद दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई एक्सपीरियंस मूविंग ऑन टू द हॉस्टल, गोइंग टू द कॉलेज। सो बहुत ही सारी मेमोरीज, बहुत ही प्यारे एक्सपीरियंसेस, बहुत ही अच्छी बातें इस कैंपस से जुड़ी हुई हैं। So I miss everyone who has passed out, who is still studying with me. I miss the campus. Sham mein saath baith ke coffee peena, assignment discuss karna, coming up with new ideas ki abhi ye event hai, abhi isme ye karenge, wo karenge. So we have a huge group jisme hamare sare junior seniors wo hostel life ko bring in karna hai. The life is awesome, matcha. Bilkul. Matlab mere se poocho ki mere best days of my life. I think that's the कॉलेज के लाइफ था, कॉलेज इनफैक्ट कॉलेज था, हॉस्टल का जो हॉस्टल लाइफ था वो बहुत मिस करता हूँ मैं। और हमारी फैकल्टी भी सर, द बीजेएमसी फैकल्टी और यू से द जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फैकल्टी भी इतनी ज़्यादा यू नो दे टेक केयर ऑफ यू सो मच कि आप जो हम में से नहीं पढ़ने वाले भी बच्चे हैं वो आई डोंट नो हाउ दे आर ब्रॉट टू द क्लास, वो कुछ नहीं तो बैठने ही क्लास में आ जाते हैं। तो द लाइफ हियर इज वेरी नाइस। कौन से तरह के पराठे मिलते हैं? आलू प्याज, छोले कुलचे, रायता भी मिलता है। तो आप भी इसी समय आते हैं सिर्फ लंच के टाइम पे यहाँ पे? नहीं, सुबह 8:30 बजे से 4:30 बजे तक रहते हैं। और पराठे के साथ लोग छोले खाना पसंद करते हैं? और सब्जी भी रखते हैं, रायता भी रखते हैं। सब्जी किस चीज़ की बनाते हैं? सब्जी रखते हैं आलू छोले सोयाबीन। सबसे ज़्यादा कौन सा पराठा बच्चे पसंद करते हैं? आलू पराठा पसंद। आलू पराठा, तो हमारे लिए आलू पराठा लगा दीजिए। तो ये आलू में कुछ डाला हुआ भी है मसाला? सिर्फ सादा डालते हैं, सादा तो ये अलग रहता है, मसाला जितना मिक्स कर देते हो उतना बढ़ देते हैं। क्या क्या डालते हैं मसाला? इसमें मसाला डालते हैं धनिया है और ये पीली मिर्च है, थोड़ा सा गैच मसाला है, गर्म मसाला, इसको सारा मिक्स करके बंद कर लेते हैं डिब्बे में, फिर हम उसको मिलाते रहते हैं इसमें। चलिए हमारे लिए एक पराठा और छोले बना दीजिए। आपके शॉप का नाम ऋषि पाल है? ऋषि पाल। आप हैं ऋषि पाल जी? जी। अच्छा, कितने साल हो गए आपके यहाँ पे स्टॉल लगा? 2007 से लेकर। यहीं लोकल, यहीं के रहने वाले हैं? यूपी के? जी, यूपी के। कहाँ? हमारा जिला पड़ता है अमरोहा। अमरोहा। तो ये हमारा आलू का पराठा और साथ में मटर और प्याज, हरी मिर्चें और नींबू। पहले छोले ट्राई करेंगे। कई बार ऐसा करता हूँ, जैसे मटर छोले की दुकान पर जाऊँगा, कुलचे नहीं लूँगा, सिर्फ छोले, तो थोड़ा अच्छा चटपटा स्नैक हो जाता है। तो ये हमारा आलू का पराठा, तो बिल्कुल सिर्फ बेसिक स्पाइसेस इन्होंने डाले हैं और साथ में प्लेन मटर, प्याज और नींबू के साथ। ये क्या प्राइस रखते हैं पराठे का? 40 रुपीज़ भी है, 30 रुपीज़ भी है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द स्टफिंग दैट वी पुट, तो 50 रुपीज़ भी है। वो रायता सर्व करते हैं, आज उनकी दही ख़राब हो गई थी। अच्छा, तो उन्होंने सर्व नहीं किया, वो खुद से दही जमाते हैं और उसका मट्ठा भी साथ में देते हैं। ये काफ़ी अच्छा है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बदली हैं यूनिवर्सिटी के बाहर, और कुछ चीज़ें जो बदल गई हैं। हाँ। मतलब जो मुझे अपने समय आता है, ऐसे पराठा, मैगी, ब्रेड ऑमलेट, समोसे, चाय, पैटी, ये सब तो कॉमन फूड है जो आपको यूनिवर्सिटी के बाहर मिलेगा या यूनिवर्सिटी के अंदर में जो कैंटीन है वहाँ मिलेगा। जो नई चीज़ें आई हैं उसमें लगता है वो ऐसे मोमोज़ है।
मोमोज पहले उतना नहीं होता था, अब हर जगह आपको मोमोज मिल जाता है खाने को। फिर ये जो मॉकटेल्स हैं जी, ये भी उतना नहीं होता था, सिर्फ बंटे की दुकान होती थी जहाँ पे वो लेमन सोडा हाँ वो आपको मिलेगा। वो पराठे बहुत अच्छे बनाए, बिल्कुल पतले पराठे, बिल्कुल पतले और बहुत बेसिक स्टफ, कोई मसाले तेज नहीं, और मसाले इतने सूदिंग होते हैं कि पैलेट पे छोले और पराठे का कॉम्बो टेस्ट आता है, वो बिल्कुल पराठा उसको वो बात ही करता, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए शिवाल जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा पराठा आपका। इसमें वो तो नहीं मिलाते ना सोया चंक्स, प्योर चिकन है हाँ जी, थोड़ा मात्रा मिलाते हैं, हाफ प्लेट लगाना, हाफ प्लेट ही। शारदा यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 के बाहर में दो मोमो शॉप्स हैं यहाँ पे, एक तो भैया हैं जो वो काठमांडू के हैं, दूसरे हमारे भैया बिहार मधुबनी से हैं, और दोनों के पास ही वेजिटेबल्स वेजिटेरियन मोमो हैं, वेज मोमोज हैं, पनीर मोमोज है और साथ में चिकन मोमोज है, और ये चिकन मोमोज के ऊपर में इन्होंने मेयोनीज डाला है, ओरिगैनो डाला है, साथ में मोमो की चटनी है। बढ़िया बनाए नहीं हैं भैया ईमानदार, इन्होंने बता दिया कि थोड़ा चिकन में थोड़ा सा सोया चंक्स मिला है, अच्छा है। हालांकि मुझे मोमो सिर्फ स्टीम मोमो पसंद है, ऊपर में मेयोनीज ओरिगैनो कुछ नहीं, लेकिन अब वो आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अगर आपको सिर्फ स्टीम खाना है तो, आप लीजिए। तो कैंपस के अंदर में भी कोई मोमो शॉप होंगे? मोमोज स्पेसिफिकली नहीं है, बट ऑल द जॉइंट्स ऑफ मोमोज जिसमें बेसिक फूड्स हैं उसमें मोमोज नहीं है। वी हैव क्रिस्पी मोमोज, कुरकुरे मोमोज, स्टीम मोमोज, फ्राइड मोमोज, सारे मोमोज। तो जिस तरह से लोग समोसे और पैटी खाते हैं उस तरह से अब मोमोज भी खाने लगे हैं, तो वो भी अब आपके हर एक कैंटीन में मेन्यू में मिलेगा। ये है रागनी नान, मतलब सिर्फ नाम सुन के मैंने ऑर्डर कर दिया है। चिकन है और साथ में चीज़ भी है, धनिया पुदीना की चटनी, साथ में ये लाल जो मोमो वाली चटनी होती है लाल मिर्च की वो है। यहाँ आके अब लग रहा है कि मैं कैंपस के किसी फूड जॉइंट में बैठा हूँ। अच्छा, अभी तक ऐसा लग रहा था कि मतलब बाहर स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, लेकिन जो कैंपस की फील है वो प्रॉपर कैंटीन में आती है आगे। और कैंटीन में भी लेकिन आपका काफ़ी एलेबोरेट मेन्यू है यहाँ पे। हाँ, बहुत बड़ा मेन्यू है। प्रॉपर जो नॉर्थ इंडियन फूड ऊपर देखें मेन्यू, देखिए इतना बड़ा मेन्यू है जिसमें आपके पास चाट, चाइनीज स्टार्टर, वेज नॉन वेज, चॉपसी, नूडल्स, इंडियन मेन कोर्स, वेज नॉन वेज, तंदूरी आइटम्स, उसके बाद फिर बिरयानी, साउथ इंडियन फूड, सभी चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब रोल्स, टूटी, बेवरेज, साउथ इंडियन स्वीट, सैलेड, रायता, एवरीथिंग इज देयर। और ये जो उन्होंने अपने जो वॉल पे आर्ट वर्क किया हुआ है, हाँ, ये काफ़ी खूबसूरत है। हाँ, अभी यहाँ पे सारे पार्टी सेलिब्रेशंस, ट्रीट्स, किसी का बर्थडे है या कुछ भी है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि यहाँ स्पेस भी है, क्राउड भी है, और बेसिक सेलिब्रेशन हम यहीं कर लेते हैं अपना, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर अवे फ्रॉम होम, अभी बाहर आज जा नहीं सकते, एवरीथिंग इज़ नॉट अवेलेबल। तो हमारा मेन्यू इतना एलैबोरेट होता है कि वी कम हेयर वी पार्टी ओवर हेयर, तो हमारा फूड के लिए बेस्ट ऑप्शन यही होता है सारे फ्रेंड्स के साथ। तो मेनली जो स्टूडेंट्स हैं वो हैंग आउट करने के लिए कहाँ जाते हैं? जैसे मुझे अपने समय याद है हम लोग कैंटीन में ज़्यादा समय रहते थे, या एक तो कैंटीन होती थी और कैंटीन के बाद में एक दो खोखे होते हैं जहाँ आप चाय मिल रही है, समोसे मिल रहे हैं,
वहाँ आप चले गए, वहाँ बैठ गए दोस्तों के साथ, तो वो जगहें होती हैं। तो या फिर आपका ग्राउंड ओपन स्पेसेस जो है वहाँ पे भी लोग बैठते हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो लेगो सबसे ज़्यादा क्राउडेड होता है समर्स में, बिकॉज जो खोखा होता है, जो हमारे स्टॉल्स हैं, शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ऐसे ही होता है यहाँ पर। तो जो हमारे खोखे हैं वो एक्चुअली इतने क्राउडेड होते हैं और वो ओपन होते हैं। तो लेगो में क्योंकि एसी चलता रहता है, ये बंद है, सबसे अच्छा बैठने का स्पॉट मिल जाता है। तो हैंग आउट जो है क्लास के अलावा अगर कहीं करते हैं तो वो यहाँ करते हैं। अभी सर्दी आने वाली है तो ऑब्वियसली ग्राउंड इज़ द बेस्ट प्लेस, और टी स्टॉल जो हमारा यहाँ का है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मिल जाएंगे आपको, अंकल्स कैफ़े पे मिल जाते हैं फॉर द कॉफ़ी एंड द चाय। बट लेगो इज़ द वन पॉइंट जहाँ पर गर्मी क्लास यहाँ पे क्योंकि बंद है, कोई किसी को देख के हेलो आए जल्दी नहीं करेगा जब तक स्पेशली आप तक ना पहुँचे। ये कैंटीन का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे आपको सब्सिडाइज खाना मिले, मतलब खाना महंगा ना हो और सभी लोग अफोर्ड कर सकें। तो वो आप देखें 50 रुपये में आपको कीमा नान मिल रहा है खाने को, तो आपके जो कैंपस के अंदर में हॉस्टल्स हैं उन हॉस्टल्स में मेस होगा, और आप मेस हॉस्टल में रहे हैं तो कैसा खाना था खास कर? खाना वेरी नाइस, मतलब प्रॉपर डाइट जो न्यूट्रिशंस पहुंचना चाहिए, या घर पे जैसा हम फ्लेवर ढूंढते हैं। सो आई विल नेवर से कि कभी भी मुझे शारदा में से लगा कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा है, या आज ये नहीं बनना चाहिए आज वो बनना चाहिए, बिकॉज द फूड इटसेल्फ एंड द क्वालिटी दैट दे सर्व एंड द क्वान्टिटी इज़ ऑसम। तो ये बताइए आपके इस कैफ़े का नाम कैफ़े 47 क्यों है? एक्चुअली 47 मेरा ना लकी नंबर है, तो हर चीज़ में 47 47, और मेरे को उस टाइम कुछ याद नहीं आया तो नंबर, तो इसलिए मैंने कैफ़े 47 लिखा। आप लोग कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ और नेटिव प्लेस नेपाल है। हाँ, और आपके यहाँ पे जो प्रॉपर हमारा देसी चाइनीज़ है वो मिलता है? हाँ हाँ, और नेपाली फूड भी मिलता है। नेपाली फूड में क्या क्या है हमारे पास? झोल मोमो है और थुप्पा है। अरे हमें आप वो खिलाते हैं। और अफगानी मोमो है, आपने पूछा सबसे अच्छा क्या है, तो अभी हम अफगानी मोमो ज़्यादा अच्छा वो कर रहे हैं। तो अच्छा, झोल मोमो ट्राई करते? झोल मोमो बन पाऊँ मैं? नहीं, अब तो ये आ गया। अच्छा, खाएंगे झोल मोमो? खाया आपने? नहीं, मैंने। नेपाल की बहुत ही क्लासिक डिश है। अच्छा, मैं आपको येलो चटनी खिला दूँ? येलो चटनी दे दो, मूंगफली वाली। हाँ, सेसमे सीड और वो पीनट्स, पीनट्स की। क्या बात, काफ़ी अच्छा लगता है। एक यूनिवर्सिटी में आके एक जो वाइब आती है, मतलब तो लगता है बिल्कुल रिलैक्स, कोई रश नहीं है, भागा भाग नहीं है, यहाँ की वाइब्स ही अलग है यूनिवर्सिटी की ना। ये तिल और मूंगफली की चटनी है। चलिए, तो ये क्या, ये फ्राइड है कि तंदूर में पकाए? फ्राइड है, क्योंकि अफगानी मोमो ज़्यादातर वो तंदूर में पहले पकाते हैं, उसके बाद फिर सॉस में टॉस करते हैं। वो कोयला का थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, बैन है, तो इसलिए मैं वो सब नहीं रख पाती। अच्छा, तो आपने फ्राइड करके उसके बाद फिर जो अफगानी सॉस के अंदर वो है कैशियो का पेस्ट और अमूल क्रीम। अच्छा, आइए खाया जाए। ये मैंने अपने स्टाइल से बनाया, लेकिन जो मोमो है वो नेपाली स्टाइल है, लेकिन जो क्रीम है वो अफगानी है, तो ये नेपाली अफगानी दोनों हो गया। अभी अफगानी भी कोई अफगानी स्टूडेंट होगा पहचानेगा नहीं। ये तो हमारी अपनी क्रिएशन है। हाँ हाँ, हम लोगों ने बनाया है अफगानी सॉस, तो बेसिकली वाइट सॉस को हम लोगों ने अफगानी सॉस बोलना शुरू कर दिया, उसमें काजू और मगज का पेस्ट बना के मैंने बनवाया इनसे, काजू का, कि मैंने बोला काजू के पेस्ट में बनाओ, हेल्दी भी है।
तो अच्छा है, आपने चटनी ट्राई करी? हाँ, नेपाली चटनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो झोल मोमो जो बनाते हैं वो इसकी चटनी में डालते हैं? हाँ, इसी पे। तो कब से आपका ये कैफे है यहाँ पे? ये 2016 से है। तो यहाँ पे आप फिर तो 4-5 साल यहाँ पे हो गए आपको। हाँ जी। कोई ऐसा स्टूडेंट्स जो आपको याद हो जो अब बहुत अच्छी अच्छा, जगह वो है एक साक्षी गोयल है, वो आगरा से है, वो अभी भी टच में, वो भूटानी में काम कर रही है। और एक जो ग्रुप था पूरा जिसमें साक्षी, शानी, सौरभ याकुरेल, सिराज और विवेक सिंह तोमर, वो हमेशा आते थे और अभी भी वो मेरे कांटेक्ट में है। सब अच्छा कर रहे हैं? सब लोग अच्छा कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात। एक दुबई में कोई, हाँ भूटानी में है, कोई नेपाल में है, तो अच्छा। तो आपने कहाँ से पढ़ाई की? मैंने डीयू से। डीयू में कहाँ से? मैंने उससे करी थी, दयाल से। दयाल से। लोधी, लोधी रोड। हाँ, लोधी रोड में साई बाबा मंदिर के पास में। आप भी तो डीयू से हैं? जी जी। अच्छा, लेकिन हमारे समय में तो ये सब नहीं मिलता था। नहीं नहीं, हमने तो समोसे खाए हैं, पैटी खाई है और राजमा चावल खाए हैं। यहाँ पे जाके पराठा, हाँ, पराठा चाय, ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती थी। हाँ, तो ये सब न्यू एंट्रेंट तो नहीं बोलेंगे, अब तो काफ़ी समय हो गया ये सब चीज़ें मिलती थी मोमो। लेकिन कभी मैं प्लान करूँगा एक एपिसोड जिसमें यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के आसपास जो जिन जगहों पर मैं जाया करता था उन जगहों को दोबारा ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो हैं भी कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया मुझे। ऐसे कुछ याद आता है, पराठे खाए तो मुझे चौधरी के पराठे याद आ रहे थे। उसके बाद पैटी खाने हम लोग लॉ फैकल्टी के बाहर में एक स्टॉल होता था, वहाँ पे पैटी खाने जाते थे। उसके बाद फिर एक लच्छू चाय वाले की दुकान होती, चाय पीते थे वहाँ जाके। एक बंटे वाले की दुकान थी, बंटा पीते थे। और फिर डी स्कूल में जाके उनका मटन डोसा खाना, एक अंकल के यहाँ पे मैगी, टॉम अंकल की मैगी। हाँ, हाँ, वो तो अभी भी उनकी दुकान है, वो टॉम अंकल तो नहीं रहे, उनकी मैगी की दुकान है। तो बहुत सारे फूड जॉइंट्स के साथ में एक मेमोरीज है, क्योंकि पढ़ते तो कम थे, ज़्यादा समय तो कैंटीन और इन सब जगहों पर बीतता था। थैंक यू। चलो थैंक यू। बाय बाय। सबसे मैं ढूंढ रहा था सबसे इंटरेस्टिंग आदमी कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया सर। मिल गया। मैं ढूंढ रहा था इतनी शारदा यूनिवर्सिटी में कोई तो मिलेगा जिससे मन की बातें होंगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा सर विजय कुमार नाम है। विजय कुमार जी, आपके यहाँ ब्रेड ऑमलेट और फिर मट्ठी फैन अपना नमकीन, आप कब से हैं आपके? आपका सर हमें 2 साल हो गया सर। आप लोग कहीं यूपी के हैं? इधर के? मैं सर गोंडा जिले से। गोंडा, उत्तर प्रदेश में ही। मैं बढ़िया चाय ढूंढ रहा था, अच्छी चाय मिल जाए कहीं पे। चाय सर पीने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं मेरे पास, सिर्फ चाय पीने के लिए। मैंने तो देख लिया, मैंने आपने अलग अलग मसाले रखे हुए हैं अलग अलग। चाय उन्होंने फुल दूध में बनाई है, है? ये भी बहुत समय बाद खा रहा हूँ चाय फैन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार चाय। शाम में ये कॉलेज की जान है चाय वाले। अच्छा। बॉयज हॉस्टल, तो ये जितने हमारे चाय फैंस हैं, चाय फैन और बस बातें की बातें, मतलब ये प्रॉपर चाय अड्डा है। हाँ, चाय अड्डा। इवन सुबह उतर के
कैंपस से मतलब क्लास जाने तक हॉस्टल से पहले सोचते चाय पी लेते हैं 5 मिनट खड़े होके फिर जाते हैं क्लास. सो या फिर पी लेते हैं, ऐसा भी होता है कि रुक भी जाते हैं, फिर थोड़ा क्लास क्लास बाद में जाते हैं, जाएंगे आज चाय पीते हैं इस लेक्चर के बाद चलते हैं. फिर वो लेक्चर शायद आता ही नहीं है ना, वो दिन आता है कैंपस क्लास जाने का. तो सारे पीछे बॉयज हॉस्टल है, हाँ. जवाहर, टैगोर और ये विवेकानंद, विवेकानंद, जवाहर और टैगोर. और जो गर्ल्स हॉस्टल हैं वो है आपका सरोजनी, मदर टेरेसा और कस्तूरबा. और ये 24/7 कैंटीन कैफे क्या है? ये 24 आवर्स खुला रहता है, 24 आवर्स खुला रहता है. और इसमें पराठे हैं, पराठा और ऑमलेट है, मैगी है, जो बेसिक फूड होता है वो है इसमें. और ये 24/7 ही खुला है. और ये बॉयज़ हॉस्टल के पास से एक प्रेफरेंस है क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल 8 बजे बंद हो जाता है, तो और लड़कों के लिए आराम नहीं है. तो बॉयज़ अलाउड है रात में बाहर निकलने के लिए, गर्ल्स अलाउड नहीं? नॉट रियली आउटसाइड द कैंपस, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, बट विद इन द कैंपस अलाउड जा सकते हैं. बहुत शानदार चाय, मतलब मुझे लगता है शारदा यूनिवर्सिटी का यही हाईलाइट रहा मेरा. आई थिंक जो मसाला डालते हैं, जो घर से बना के लाते हैं, सीक्रेट मसाला, सीक्रेट मसाला. मतलब यूनिवर्सिटी में आके मेरे को अपने पुराने दिन याद आ गए, और जो मतलब दोज वर द डेज, राइट. और मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने किताब लिखी है. अच्छा. उनका नाम मानवेंद्र है, उन्होंने किताब का नाम ही रखा है दोज वर द डेज. तो हम लिंक उसका अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप भी ये किताब परचेज कर सकते हैं अमेज़न पे जाके. मानवेंद्र सर की किताब है दोज वर द डेज. मेरे साथ वो रामजस कॉलेज में मेरे सीनियर हुआ करते थे, और उन्होंने अपने वेलम डेज की कहानियाँ लिखी हैं उसमें, वेलम स्कूल की. चाय थी सर ये, आप बताओगे? बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया. मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा पूरे शारदा यूनिवर्सिटी में हाईलाइट आपके यहाँ की चाय रही. चलिए, थैंक यू. लिए एक स्वीट कॉर्न सैंडविच. हाँ जी, कितने आपके? 90 सर. अंकल के यहाँ जब आओ तब भीड़ रहती है. अंकल फेमस ही इतने पूरे कॉलेज में, क्वालिटी मेंटेन करते, क्वालिटी मेंटेन करते हैं. सबसे पुराने अंकल ही हैं क्या कैंपस में? हैं सबसे पुराने आप ही हैं? एक ये कौन से ईयर में आए आप? 2012. आप यही नोएडा के ही हैं? नोएडा के तो नहीं है, पर आप नोएडा का हो रहा है. कहाँ गए आप? हम लोग हापुड़ में. हापुड़ मैक्सिमम यहाँ पे फूड वेंडर्स यूपी के हैं. सैंडविच के अंदर में चीज़, प्याज, टमाटर, स्वीट कॉर्न, सारी चीज़ें डली हुई हैं. सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है. अंकल कैफे इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन. कुछ भी चाहिए आपको, और क्योंकि ये इसके लिए हमें रश नहीं करना पड़ता है हॉस्टल के साइड,
और ये गेट नंबर 3 से सबसे क्लोजेस्ट है. ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 से सबसे क्लोजेस्ट है. ब्लॉक 4 से इवन क्लोजेस्ट है. तो इस वजह से ज़्यादा भीड़ आपको यहीं दिखेगी. सबसे एक्सेसिबल यही है सबसे. और साथ में देख रहा हूँ मैं जो आपके स्टाफ हैं, राइट, टीचर्स, फैकल्टी मेम्बर्स, वो सब भी यहाँ पे बहुत आते हैं. और कुछ अंकल का नेचर भी है और इवन उनके स्टाफ भी हैं, वो भी बहुत इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से. तो अच्छा, ये मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च. और ये है कैंटीन जिसका नाम है कन्हैया, कन्हैया की कैंटीन. और यहाँ पे देख रहा हूँ मैं ज़्यादातर लोग समोसे और छोले ही ले रहे हैं. और हमने भी वही लिया है, समोसे छोले, जिसमें समोसे को क्रश करके उसके बाद छोले चटनी. और आपको आपका प्रेफरेंस है, अगर आप प्याज टमाटर डलवाना चाहें डलवा सकते हैं, हमने नहीं डलवाया. तो खाया जाए इसे. अच्छा है, बस थोड़ा समोसा और ठंड मतलब गर्म होता तो और मज़ा आता. हाँ, शाम में यहाँ पे चाय, अंडे, समोसा, छोले, मोमोज, इसके लिए काफ़ी भीड़ होती है. इवन पराठे. मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो आते होंगे या फिर जो विजिट कर रहे हैं. विजिट कर रहे हैं, इवन पैक करा के, अगर जैसे हॉस्टल में किसी दिन नहीं खाना है तो पराठे पैक करा के यहाँ से ले जाते हैं हॉस्टल में. मतलब मेरे लगता है कि एक जो सुकून मिलता है वो यहीं आके मिलता है. हाँ, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में आके मतलब ऐसा लगता है कि देयर इज नो वर्ल्ड आउटसाइड. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही वो जगह है जहाँ पे यू फाइंड द मोस्ट, मतलब आई थिंक यू बी द मोस्ट यू. आप खुद जो हो वो आप बहुत इजीली पोर्ट्रे कर सकते हो, बिकॉज देयर इज नो वन जजिंग यू. इस टाइम पैशन है हमारे अंदर, एक कुछ करना है, कैसे करना है, वी हैव द सेम माइंड ऑफ पीपल अराउंड अस. तो मज़ा आता है. लाइक आप तो उस फेस से निकल गए, वी आर इन इट. सो आई डोंट नो, तो जितना आप याद आएगा नहीं, मैं तो कहूँ जितना आप जी सकते हो उतना जी लो, क्योंकि ये जो दिन है दोबारा नहीं आते. राइट, तो एक बार निकल गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा. तो एक एक दिन, एक एक मिनट जी लेना चाहिए अपने स्टूडेंट लाइफ का.